वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, घूमने के लिए इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर दिए, चॉपर दिए, स्टार कैंपेनर बनाया, कांग्रेस पार्टी की टॉप की लीडरशिप के साथ आपकी एक्सेस थी, आप 1-to-1 थे, सीधा डायलॉग कर सकते थे। इन सबके बावजूद आप कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त इस प्रकार की गाली गलौज करोगे, और वो भी राहुल जी के खिलाफ, जो आदमी ने आपके साथ इतना प्यार दिया, आपके साथ इतना जेनरोसिटी दिखाया, इतना जेन्युइन आदमी है, जो सारे युवाओं को अप्रोचेबल है, जो सारे युवाओं को साथ में लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं, कम से कम उनके खिलाफ तो आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आदमी आपको पॉलिटिकल मेंटर रहा, जो आदमी आपको प्रोटेक्ट करता रहा, आपके लिए पार्टी ने जगह बनाई, स्पेस बनाई, आप पार्टी में नहीं थे, बाहर आंदोलन के नेता थे मेरी तरह, फिर भी आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। टेक्निकली देखा जाए तो आज भी मैं कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप नहीं लिया हूं, फिर भी जब असम की सरकार ने पीएमओ के कहने पर मुझे टारगेट किया तो कांग्रेस पार्टी धमकी की चोट पर मेरे साथ खड़ी रही। साथी हार्दिक हमारे संघर्ष और आंदोलन का साथी था, उनसे ये उम्मीद नहीं, उस प्रकार की गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करेंगे ये उम्मीद उनसे नहीं थी। आपको कांग्रेस पार्टी में कोई भी दिक्कत नहीं, आप शालीन तरीके से अल्पेश ठाकुर और दूसरे नेता की तरह छोड़कर जा सकते हो, लेकिन इस प्रकार का गाली गलौज करके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की जो कोशिश की, उससे हमारा मनोबल टूटेगा नहीं। मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, मैं धमकी की चोट पर कांग्रेस के साथ हूं, गुजरात में और पूरे मुल्क में लाखों लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ूंगा, और बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और इस मुल्क की जनता का जो भी सवाल हो, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे किसी से प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर के नेतृत्व में, साथ में मिलकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जहां पर सरकार में है वहां अच्छी नीतियां इस मुल्क की जनता के लिए बनाएंगे।